तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार स्कूलों की स्थिति सुधारने में लगी है, लेकिन कांकेर जिले के सुदूर इलाके में विभागीय अधिकारी के सुस्त रवैये के कारण स्कूलों की हालत बदतर हो गई है। स्कूलों में बच्चे भी नहीं जा रहे हैं। स्कूल की हालत तो ऐसी है कि वो तो आप ही देख लीजिए, हम क्या बताएं। छत्तीसगढ़ की शिक्षा पद्धति को लेकर जहां सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े और स्कूल चले हम जैसी बातें सरकार करती है, लेकिन ये अब दम तोड़ती दिखाई दे रही है। उसका जीता जागता उदाहरण रफ्तार मीडिया की पहल से आज सबके सामने है। मामला है कांकेर जिले के ऐसे गांव का जो जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां रफ्तार मीडिया की टीम कच्ची सड़क, पगडंडियों और बहते नालों को पार कर जब माढ़ पखांजुर पहुंचे तो देखा आंगनबाड़ी में ताला लटका हुआ है। वहीं बगल में स्कूल तो है, पर कुछ शिक्षक और स्कूल के चपरासी सभी एक साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। स्कूल का आलम कुछ ऐसा था कि मानो सालों से स्कूल में कोई आया ही ना हो। स्कूल में शिक्षक खाली पैर घूमते पाए गए। जब शिक्षक से बात की गई तो बताया गया कि स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, इसलिए ऐसा हाल है। हालांकि उन्होंने थोड़ा बहुत तो गोलमोल जवाब दिया, अब आप ही सुन लीजिए। आखिरी छोर पर जो आपका माढ़ पखांजुर में स्कूल है, एक भी बच्चे नहीं है, कितने दिन से बच्चे नहीं है? अरे एक आध दिन ही आते हैं सर। एक आध दिन ही आते हैं। खेती के समय में। कितने शिक्षक हो आप लोग यहाँ? हम लोग प्राइमरी में दो हैं। और मिडिल में? मिडिल में एक। और पूरे स्कूल में एक भी बच्चा नहीं आता? आज नहीं आ रहे सर। कितने दिन से नहीं आ रहे? अरे आज ही नहीं आए। अब सारे लोग एक जगह बैठ के बात कर रहे थे, मिडिल के प्रिंसिपल भी थे, स्वीपर भी, एक ही टेबल पे, क्यों ऐसा? तो क्या करेंगे सर, बच्चे नहीं है इसलिए। बच्चे नहीं है तो जाति वाला फॉर्म बनाए और क्या जाति फॉर्म भरेंगे। एक ग्रामीण ने जब मीडिया की टीम को देखी तो बताया कि इस स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, पर हमारे गांव चलो सर, वहां तो कभी स्कूल नहीं खुलता है। फिर पगडंडियों से कई किलोमीटर चलने के बाद उनके गांव पहुंचे, जहां की दुर्दशा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नहीं सर, वो अब तक तो देखे नहीं ना, सर को अब तक नहीं देखा, रोसेना तो है ही है, कोई पटेल रहे तो कलेक्टर भी रहे। नहीं तो यहाँ पे कभी स्कूल नहीं खुलता? नहीं खुले तो होता है, लेकिन आज तक गुरु जी को मैं देखा तो ये मेरा जमीन है, मैं हर समय यहाँ रहा हूँ। कांकेर जिले का नैनटोला स्कूल जो शायद शासकीय पन्नों से गुम है, जिस हालात में है अनुमान है कि जिला मुख्यालय के आला अधिकारियों की नजर इस स्कूल पर शायद ही पड़ी हो। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई करें, और दुर्दशा कुछ ऐसी है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन पर कई सवाल उठता देखा जा रहा है। आज हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के एक ऐसे छोर पर जहां पे शिक्षा कहीं ना कहीं दम तोड़ता नजर आता है। हम खड़े हैं कांकेर जिले के नैलटोला में, जो कांकेर मुख्यालय से करीबन 250 किलोमीटर दूरी पर है। हम आपको दिखाएंगे कि अभी 3:20 को है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ताला लगा है। और मैं स्कूल की अगर बात करूं तो मेरे कैमरामैन से चाहूंगा कि स्कूल की जो दशा है वो किस हद तक बुरी है आपको मैं दिखाना चाहूंगा। स्वच्छ भारत का एक जो सपना है वो भी टूटता दिखाई दे रहा है। मैं आपको इसका जो शौचालय है और शौचालय से आपको अवगत करवाना चाहूंगा, ये इसका बच्चों के लिए शौचालय है जो मुझे लगता नहीं कि आज तक कभी भी इसका इस्तेमाल किया गया है, एक खंडर में तब्दील है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इसको दिखाना कि लोग समझे जाने और इस दृश्य को देखें कि छत्तीसगढ़ के शासनकाल और इसके शिक्षा को लेकर जहां एक और काफी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जिसके जिले के आखिरी छोर में उसकी दुर्दशा किस तरीके से है। यहाँ पे पूरे ग्रामीण इकट्ठा है कि यहाँ पे बच्चे कभी स्कूल नहीं आते हैं, और ये आखिरी छोर है, यहां से महाराष्ट्र का सीमा महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी इतनी बुरी हालत है। क्या वाकई ही शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर है या फिर सिर्फ बातें किताबी है? कैमरामैन अजय बड़े के साथ मिथुन मंडल, रफ्तार न्यूज का।